वॉशिंगटन से हो? क्यों, यहाँ और भी लोग आते हैं। यहाँ कितने समय से हो तुम? आज सुबह से। एक रूसी तेल कंपनी ने करीब 18 घंटे पहले फोन किया था। राजू भाई, इसे पहले किसी ने नहीं देखा। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है, तूफान आते ही नजारा बदलता रहता है। वैसे तुम बता सकते हो कि ये चीज असल में है क्या? हो सकता है मौसम संकेत यंत्र। मुझे नहीं लगता। वैसे हमारे पास इस तरह के काम के लिए सामान भी नहीं है। हम इसे अपनी क्रेन से कितनी देर में उठवा सकते हैं? लगता है तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुम लोगों को इसके लिए बहुत भारी क्रेन चाहिए होगी। ये चीज है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खबर सुनकर उनकी नींद उड़ जाएगी। जॉन्सबर्ग, नॉर्वे, मार्च 1942। वो लोग इस तरह से चीज को लेने आ रहे हैं? पहले भी आए थे, पर इस तरह से कभी नहीं आए। आने दो उन्हें, वे कभी नहीं घूम पाएंगे। मुझे इस जगह को ढूंढने में बहुत वक्त लग गया। तुम्हें तो शाबाशी देनी चाहिए। खड़ा करो उसे। तुम्हारी दूरंदेशी की दाद देनी पड़ेगी। हाँ, इस मामले में हमारी सोच एक जैसी है। आप जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, वो तो है। जिसे और लोग अंधविश्वास समझते हैं, मैं और आप जानते हैं कि वो एक विज्ञान है। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो एक कहानी। फिर उसे छुपाने की इतनी कोशिश किस लिए? ये है टेसरेक्ट, जॉर्डन के खजाने का एक बेशकीमती रत्न था। ये ऐसी चीज नहीं जिसे दफनाया जाए, पर लगता है हम उस राज के काफी करीब हैं। आपकी मदद मैं नहीं कर सकता। नहीं, पर शायद अपने गांव की कर सकते हो। वहां तुम्हारे कुछ दोस्त जरूर होंगे, शायद कुछ छोटे छोटे बच्चे। मुझे उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। Yggdrasil,
विश्व वृक्ष, ज्ञान का रखवाला और तकदीर का भी। पहले कभी नहीं देखा क्यों? यह किसी आम इंसान के देखने की चीज नहीं है। सही कहा। फायरिंग करने का ऑर्डर दे दो। बेवकूफ, इसकी ताकत को तुम काबू नहीं कर पाओगे, जलकर खाक हो जाओगे। जल तो चुका। पहले हमें एक बार सोच लेना चाहिए, है ना? नहीं। रॉजर्स, तुम्हारे पिता की मौत कैसी हुई? मस्टर्ड गैस से। वो 107वीं पैदल सेना में थे। मैं सोच रहा था कि काश मुझे भी उसी में रखा जाए। और माँ की? वो टीबी वार्ड में नर्स थी, उन्हें भी टीबी हो गई और वो गुजर गई। सॉरी बेटे। देखिए, मुझे बस एक मौका दीजिए। तुम तो अपने दमे की वजह से ही नामंजूर हो जाओगे। आप कुछ नहीं कर सकते। कर तो रहा हूं, तुम्हारी जान बचा रहा हूं। जंग पूरे यूरोप को तहस नहस करती जा रही है। गठीले बदन वाले जवानों की उमड़ती भीड़ जल्द ही हमें मदद करने और अपने देश की सेवा करने पहुंच जाएगी। यहां तक कि छोटा टिमी भी किसी से पीछे नहीं। शाबाश टिमी, क्या फर्क पड़ता है? जल्दी खत्म करो पिक्चर। आप थोड़ी इज्जत से पीछेंगे? इस बीच विदेशों में हमारे बहादुर नौजवान दुश्मनी ताकतों को दिखा रहे हैं कि आजादी की कीमत जितनी भी चुकानी पड़े कम है। अरे क्या पका रहा है यार, खत्म करो इसे। कोई कार्टून फिल्म लगाओ यार। मुंह बंद करो अपना। मित्र राष्ट्र सेनाओं के साथ हम हर खतरे का सामना करेंगे, वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। शहर से टेस्ट दे रहे हो। जानते हो ना कि फॉर्म में छूट लिखना गैर कानूनी है, खास करके पैदाइश की जगह। तुम्हें ऑर्डर्स मिल गए? 107 सर्जन जेम्स पानस कल सुबह इंग्लैंड चल देगा अपनी ड्यूटी के लिए। मुझे भी जाना चाहिए। अरे चलो यार, मेरी आखिरी रात है, तुम्हें तैयार भी तो करना है। क्यों, हम कहां जा रहे हैं? भविष्य, विश्व की विश्व प्रदर्शनी 1943। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। न्यूयॉर्क में तुम अकेले शादी लायक आदमी बचे हो। जानते हो यहाँ 35 लाख औरतें हैं, मेरे लिए एक ही काफी है। अच्छा हुआ मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया। हाय बाकी। उन्हें मेरे बारे में क्या बताया तुमने? सिर्फ अच्छी बातें। मॉडर्न मार्वल्स पवेलियन और भविष्य की दुनिया में आपका स्वागत है। एक बड़ी दुनिया, एक बेहतर दुनिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ही सालों में आपकी मोटर कारें जमीन तक नहीं छुएंगी,
तो जी हाँ, शुक्रिया मंडी। स्टार ब्रेविटिक रिवेशन टेक्नोलॉजी से आप बिल्कुल यही कर पाएंगे। चल लड़कियों को कुछ खिलाते पिलाते। अब चलो भी मेरे सोल्जर। डेट का मतलब तो समझ नहीं रहे, चलो कुछ पीने चलते हैं। तुम जाओ, मैं अभी आता हूं। क्या तुम सच में टेस्ट दोगे? ये मिला है, मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा। क्या बनकर कहां का एड्रेस दोगे? तुम पकड़े जाओगे, वो तुम्हें अंदर डाल देंगे। तुम समझते हो मैं ये नहीं कर सकता? पर मैं बच्चों का खेल नहीं स्टीव, ये जानता हूँ। ये जगह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो क्यों, और भी अच्छे काम क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? कबाड़ में ठकरो अपने लाल गाड़ी में। क्यों मैं किसी फैक्ट्री में नहीं बैठने वाला? बाकी कम ऑन, लोग वहां अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं कम से कम उतना तो करूं। तुम मेरे जज्बात को नहीं समझ रहे हो। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। सही कहा, क्योंकि तुम्हें कुछ साबित जो नहीं करना। अरे सर्जेंट, क्या हम डांस करने नहीं जाएंगे? हाँ हाँ जरूर। जब तक मैं इंग्लैंड से न लौटूं, कोई बेवकूफी मत करना। कैसे कर सकता हूं? इसका जिम्मा तो तुमने उठाया। बड़े खोजू हो तुम साला। अपना ख्याल रखना। मैं ना हूं तब तक जंग मत जीतना। आ जाओ गर्ल्स। जानकारी भरना गैर कानूनी है। शुक्रिया। तो तुम विदेश जाना चाहते हो, नाजी लोगों को मारना चाहते हो? एक्सक्यूज मी, मैं हूं डॉक्टर अब्राहम अर्सकाइन। मैं आर्मी के लिए स्पेशल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर काम करता हूं। मैं स्टीव रोजर्स। आप कहां से हैं? न्यूयॉर्क। काफी सालों से रह रहा हूं मैं इस शहर में, उससे पहले जर्मनी। तुम्हें कोई एतराज नहीं? तुम कहां से हो मिस्टर रोजर्स? क्या न्यू हेवन शहर से या परामस शहर से? पांच एग्जाम्स, पांच अलग अलग शहरों में। शायद गलत फाइल लगी। नहीं, मुझे एग्जाम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी पांच कोशिशों में है, पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम नाजी लोगों को मारना चाहते हो? ये कोई टेस्ट है? हाँ, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। मुझे दादा की पसंद नहीं, फिर चाहे कोई भी हो। खैर, कई बड़ी बड़ी हस्तियां पहले ये लड़ाई लड़ रही है, अब शायद हमें किसी छोटे शख्स की जरूरत है। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, सिर्फ एक मौका। मुझे मंजूर है। गुड, तो ये छोटा शख्स कहां से है, सच बताना? ब्रुकलिन से। कंग्रेचुलेशंस सोल्जर। तैयार है डॉक्टर सोला? मेरी मशीन को बेहद संजीदा कैलिब्रेशन की जरूरत है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही सावधानी बरत रहा हूँ। और आपको पूरा यकीन है कि आपके वो कंडक्टर्स बदलाव लाने तक ऊर्जा का उभार सह पाएंगे? हाथ से बनी इस चीज के लिए मैं कोई दावा नहीं कर सकता। मुझे तो इस बात का डर है शायद ये काम ही ना करे।
20%, 40, 60, 70% पर कायम हो रहा है। मैं यहां इतनी दूर सुरक्षा के लिए नहीं आया डॉक्टर। मुझे ऐसे दाव आते हैं जो आप जरूर पसंद करेंगे। एजेंट कार्टर। कर्नल फिलिप्स। लगता है तुमने इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। बहुत बढ़िया। चलो उठकर धूल झाड़ो और लाइन में सावधान होकर खड़े रहो जब तक कि कोई ये ना बताए कि क्या कर रहा है। यस सर। जनरल पैटन, उन्होंने कहा है जंग हथियारों से लड़ी जाती है पर जीती आदमियों से जाती है। हम ये जंग जीतेंगे क्योंकि हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे आदमी है। इसलिए जीतेंगे कि वो बेहतर हो जाए और भी बेहतर। स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक रिजर्व आजाद दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों की बनी एक मिली जुली कोशिश है। हमारा मकसद इतिहास की सबसे बेहतरीन फौज बनाना है, लेकिन हर फौज की शुरुआत एक आदमी से होती है। इस हफ्ते के आखिर में हम वो आदमी चुन लेंगे जो पहला सिपाही होगा, औलादी सिपाहियों की नई नस्ल। राइफलों की जड़ से बाहर निकालो और वो एडोल्फ हिटलर को दोजख के दरवाजे तक खुद ले जाएगा। क्यों लड़की की तरह भाग रहे हो? जल्दी करो, जल्दी भागो, क्योंकि अब दर से चलो चलो और तेज और तेज आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रुकरी रुक जाओ। इस झंडे का मतलब है कि अभी हम आधे रास्ते ही पहुंचे हैं। जो इस झंडे को लेकर आएगा वो एजेंट कार्टर के साथ वापस जाएगा। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। किसमें दम है जो इस झंडे को नीचे उतारेगा? और अगर तुम्हें दम है तो इस झंडे को नीचे उतारो। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। क्या कमजोर की तरह ऊपर चढ़ रहे हो? पिछले 17 सालों से कोई वो झंडा नीचे नहीं ला पाया। चलो वापस लाइन में लग जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, वापस अपनी जगह पर आ जाओ। रोजर्स, मैंने कहा लाइन में लग जाओ। ज्यादा ताकत तो मेरी नानी में थी, उनकी आत्मा को शांति मिले। और तेज। तुम कहीं रॉजर्स को चुनने की तो नहीं सोच रहे हो ना? मैं सिर्फ उसके बारे में सोच नहीं रहा था, बस वही तो लाया। जब तुम 35 किलो के एक दमे के मरीज को मेरे फौजी अड्डे पर लाए तो मैंने जाने दिया। मैंने सोचा 12 गोली शायद वो जर्मिल की तरह तुम्हारे किसी काम ही आ जाए, पर तुमने तो उसे ही चुना। जंपिंग जैक। बच्चे की बांह में सुई लगाओगे तो आर पार निकल जाएगी। देखो उसे, मुझे तो रोना आ रहा है। मुझे ऐसी खूबियों की तलाश है जो सिर्फ जिस्मानी ना हो। जानते हो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में कितना वक्त लग गया? उस सेनेटर की कितनी जी हुजूरी करनी पड़ी थी, क्या नाम है उसका? जानता हूँ, आपकी कोशिशों का अंदाजा है। फिर मुझे उसका इनाम मिलना चाहिए। फौज हमारे दिए सभी इमदारों पर खरा उतरा है। वो ताकतवर है, तेज है, भूख मानता है, वो एक सिपाही है। वो गुंडा है। अच्छाई से जंग नहीं जीती जाती डॉक्टर। सब्र और हिम्मत से जीती जाती है। हट जाओ यहां से। चलो चलो चलो।
ये टेस्ट था, लेकिन ये अब भी दुबला है। आ सकता हूं? आइए। नींद नहीं आ रही? थोड़ा नर्वस हूं शायद। मैं भी। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? सिर्फ एक। मुझे क्यों चुना? शायद यही सबसे अहम सवाल है। ये जर्मनी की है, मेरे शहर की। लोग भूल जाते हैं कि नाजियों ने पहले जिस मुल्क पर हमला किया था वो उनका अपना था। विश्व युद्ध के बाद मेरे लोगों ने बहुत मुश्किलें झेली, वो कमजोर पड़ गए, कभी सर नहीं उठा पाए। फिर हिटलर आया बड़े जोर शोर के साथ, झंडे वगैरह लेकर। उसने मेरे बारे में सुना और मेरे काम किए। उसने मुझे ढूंढ निकाला, हुक्म दिया तुम, उसने कहा तुम हमें मजबूत बनाओगे, पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो उसने उसके हाइड्रा नाम के रिसर्च विभाग के मुखिया को भेजा, एक कमाल का साइंटिस्ट जिसका नाम जॉन श्मिट था। अब श्मिट हिटलर के खास लोगों में से है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है। वो और हिटलर दोनों ही तंत्र मंत्र और कट्टरवाद में मानते हैं। हिटलर इन ख्याली बातों से अपने समर्थकों को प्रेरित करता है, पर श्मिट के लिए ये कोई ख्याल नहीं है, उसके लिए ये सच्चाई है। उसे पूरा यकीन हो गया है कि धरती के अंदर देवताओं की छोड़ी हुई एक छिपी ताकत है, जिसे ऐसे इंसान का इंतजार है जो शक्तिशाली और महान हो। इसलिए जब वो सुनता है कि मेरा फॉर्मूला क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो खुद को रोक नहीं पाता। श्मिट वो शक्तिशाली और महान इंसान बनना चाहता है। क्या वो ताकतवर बना? हाँ, पर उसके और भी कई असर हुए। सीरम तैयार नहीं था, पर उससे भी अहम है वो इंसान। सीरम अंदर के गुण, अंदर की शक्ति बढ़ा देता है, इसलिए तो अच्छा बेहतर हो जाता है और बुरा बदतर बन जाता है। इसीलिए तुम्हें चुना गया था, क्योंकि एक मजबूत इंसान जिसने जिंदगी भर ताकत को पहचाना हो शायद उसकी इज्जत ना करे, पर एक कमजोर इंसान उस ताकत की कीमत जानता है और कद्र करता है, जज्बातों की। शुक्रिया, अच्छा लगा। ले लो। कल चाहे जो भी हो, तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम जो हो वही रहोगे, एक सिपाही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान। कमजोर लोगों के नाम ओ नहीं, रुको रुको, ये मैं क्या कर रहा हूं, कल प्रयोग शुरू करना है, कुछ भी पी नहीं सकते। ओ ठीक है, हम बाद में पियेंगे। कल मुझ पर प्रयोग थोड़ी होने वाला है, बाद में क्यों पियेंगे, अभी पियेंगे। आपको मुझसे कोई और काम था? मैंने सुना है आपको एरिस्किन मिल गया, खुद ही देख लो। पसंद नहीं आया? समझ नहीं आता आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो कामयाब होगा। उसका सीरम ही हमारे मित्र मुल्कों को इस ताकत से बचा सकता है जो अब हमारे पास है। अगर हम उस सीरम को छीन लेते हैं तो हमारी जीत निश्चित है। तो क्या मैं उसका ऑर्डर दे दूं? वो दिया जा चुका है। अच्छा, डॉक्टर जोला, क्या ख्याल है? इसी गली में मेरी पिटाई हुई थी, उस पार्किंग लॉट में और उस रेस्टोरेंट के पीछे भी।
तुम्हें भाग निकलने से कोई परहेज है? भागना शुरू किया तो आपको कभी रुकने नहीं देंगे। आपको खड़े होकर उनका सामना करना है। हमेशा वो नहीं मोड़ सकते। मैं जानती हूँ तब कैसा लगता है जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहेगी आप जैसी खूबसूरत लड़की। मेरा मतलब है औरत, एजेंट, औरत नहीं, मतलब आप खूबसूरत हैं पर तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं औरतों से कैसे पेश आते हैं? इतनी लंबी बातचीत तो मैंने पहले कभी किसी औरत से नहीं की। औरतें किसी ऐसे मर्द के साथ डांस क्यों करने लगी जिसके पैर कुचल दे? डांस तो किया ही होगा। नहीं, किसी लड़की को डांस के लिए पूछने में डर लगता था और पिछले कुछ सालों में ये उतना जरूरी नहीं लगा। सोचा इंतजार कर लेता हूँ। वो किसका? सही पार्टनर का। इस तरफ। हम यहां क्यों आए? मेरे पीछे आओ। मौसम बहुत ही सुहाना है ना? हाँ, पर मैं हमेशा छाता साथ रखती हूँ। शर्ट उतारो, अपनी टाई और अपना हैट। ठीक है। सेनेटर ब्रेंट, अच्छा हुआ आप आ गए। जान सकता हूँ मुझे ब्रुकलिन में क्यों बुलाया गया? हमें पावर स्टेशन की जरूरत थी। अगर आपने पहले मुझे वो जनरेटर्स दिए होते जो मैंने मांगे थे, वो बहुत सारे लोग फंड मांगते रहते हैं कर्नल। ओ, ये क्लेम है। फ्रेड क्लेमसन, स्टेट डिपार्टमेंट। अगर आपका ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो सुर्खियों में आने के अलावा कुछ और भी कीजिएगा। अरे, इस बच्चे की तो जान निकल जाएगी। ऐसा महसूस हो रहा है? जगह थोड़ी बड़ी है मेरे लिए, थोड़ी बच्चा के रखी है ना। कल रात मैं पूरी की पूरी बोतल पी गया। सॉरी, अगली बार। मिस्टर स्टार्क, लेवल्स कितने हैं? ऊर्जा लेवल 100% है। गुड। हमें बेशक ब्रुकलिन शहर की आधी लाइटें बंद करनी पड़े पर हम तैयार हैं, पूरी तरह तैयार। एजेंट कार्टर, क्या आपको नहीं लगता कि आपको बूथ में ज्यादा आराम मिलेगा? हाँ जी, सॉरी। सुनाई दे रहा है, यौन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम तबाही की तरफ एक और कदम नहीं उठा रहे हैं बल्कि अमन की राह पर पहला कदम रख रहे हैं। इसकी शुरुआत हम इंसान की मुख्य मांसपेशियों में कई माइक्रो इंजेक्शन लगाकर करेंगे। सीरम के डालते ही कोशिकाओं में तुरंत बदलाव आने लगेंगे और फिर विकास बढ़ाने के लिए इंसान को सराबोर कर दिया जाएगा व्हाइट अरेस से। सिरम भरना शुरू, मेरे गिनते ही 5, 4, 3, 2, 1। अब मिस्टर स्टार्क,
वैन, तुम सुन रहे हो? अभी बाथरूम जाके आऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी ना। चलिए आगे बढ़े। फिलहाल 10% है और अब 20%, 30, अब 40%, शरीर के सारे अंग सामान्य, 50%, 60, 70, से कुछ लोग हैं जिनके होश उड़ने वाले हैं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। Thank you.
आ जाओ। से पता चला है कि तुम्हें अपने हथियारों के बल पर नॉर्वे पर धावा बोल दिया। फ्यूर को लगता है, क्या कहता है ना वो, लाल खोपड़ी काफी मनमानी कर चुके हैं। जेंटलमैन, आप देखना चाहते हैं ना कि हम यहां किस तरह का काम करते हैं। आइए दिखाता हूं। हिटलर हजारों साल राज करने की बात करते हैं, पर अपनी फौज को महीने भर खाना भी नहीं खिला सकते। उनकी फौज यूरोप के हर मैदान को अपने खून से रंग रही है, पर वो अपने मकसद के आसपास भी नहीं पहुंचे। और ऐसा लगता है कि तुम ये जंग जादू से जीतना चाहते हो। विज्ञान से, पर आपकी गलतफहमी वाजिब है। महान ताकत छोटी सोच को हमेशा डराता आ रहा है। हाइड्रा ने मेरे दुश्मनों को एक ही झटके में खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो चाहे जहां हो, चाहे उनकी फौज की तादाद कितनी भी हो, सब घंटों में तमाम हो जाएंगी। तुम्हारे दुश्मन? मेरे हथियारों में ऐसी अजीबोगरीब ताकत है कि दुनिया के हर विरोधी देश को खत्म करते। कहने का मतलब जेंटलमैन, मैंने देवताओं की ताकत पर काबू पा लिया है। शुक्रिया स्मिथ। किस लिए? ये बताने के लिए कि तुम पागलपन की किस हद तक जा सकते हो। इस नक्शे में तो बर्लिन भी है। वो तो है। तुम्हें अपनी गुस्ताखी की सजा मिलकर रहेगी। तुम्हें खुद फ्यूरर के सामने पेश किया जाएगा। माफी चाहता हूं डॉक्टर, पर हम दोनों जानते हैं कि हाइड्रा अब हिटलर की छाया में और आगे नहीं बढ़ सकता। जय हो हाइड्रा। और खून चाहिए? इस प्रोग्राम को फिर से चलाने की उम्मीद तुम्हारे जेनेटिक कोड में कैद है, पर डॉक्टर अर्स्किन के बिना इसमें सालों लग जाएंगे। उनको इससे बेहतर परिणाम मिलना चाहिए था। अगर यह प्रयोग एक ही बार होना था तो उन्हें खुशी होती कि यह तुम पर हुआ। ठीक है, तो पहले उनसे ये पूछिए कि एक जर्मन जासूस आपकी गाड़ी में मेरे खुफिया ठिकाने तक कैसे पहुंचा? कुछ पता चला? वैसे तो सब जानते हैं कि मैं इस मुल्क का बेस्ट मैकेनिकल इंजीनियर हूं, पर मैं भी नहीं जानता कि इसके अंदर क्या है या ये कैसे चलती है। हम तो इस तकनीक के आसपास भी नहीं है। तो फिर कौन है? हाइड्रा।
तुमने हमारी रिपोर्ट तो जरूर पढ़ी होगी। आप जानते हैं मेरे पास हर रिपोर्ट पढ़ने के लिए वक्त नहीं। हाइड्रा नाजियों का एक साइंस रिसर्च डिवीजन है जिसका लीडर योहान श्मिट है, पर उसके और भी बड़े बड़े मंसूबे हैं। हाइड्रा एक बन जैसा है, वो श्मिट की इबादत करते हैं, उन्हें लगता है उससे कोई नहीं जीत सकता। तो तुम्हारा अगला प्लान क्या है? आज सुबह प्रेसिडेंट से बात की थी, आज से SSR को नई ड्यूटी दी जा रही है। कर्नल, हम हाइड्रा पर हमला करने वाले हैं। अपना सामान बांध लो एजेंट कार्टर, और तुम भी स्टार्क, हम आज रात ही लंदन जा रहे हैं। सर, अगर आप श्मिट के पीछे जा रहे हैं तो मैं भी चलूं। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो, तुम न्यू मेक्सिको जाओगे। पर सिरम काम कर गई, मैंने पूरी फौज मांगी थी और मेरे सिर्फ तुम काफी नहीं हो। कर्नल की बातों का बुरा मत मानना, पर शायद हम मुद्दे से हट रहे हैं। मैंने तुम्हारे अंदर के जज्बे को देखा है स्टीव, सिर्फ मैंने ही नहीं पूरे मुल्क ने देखा है। अखबार लाओ। जब से तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपी है, फौज में भर्ती होने की लाइनें बढ़ती चली जा रही हैं। तुम्हारे जैसे सिपाही, एक ऐसे प्रतीक को लैब में नहीं छिपाया जा सकता। बेटे, तुम अपने मुल्क की सेवा करना चाहते हो जंग के सबसे अहम मैदान में? सर, मैं बस वही करना चाहता हूं। तब तो मुबारक हो स्टीव, तुम्हारी तरक्की हो गई। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। इसमें क्या है, बस कुछ बॉन्ड्स बेचने हैं। बॉन्ड से गोलियां आएंगी, गोलियां नाजियों को मारेंगी और तुम अमेरिकी हीरो बन जाओगे। हीरो बनने के लिए सब करना होगा, सोचा नहीं था। सेनेटर की सरकार में ऊपर तक पहुंचे, तुम बस हमारी टीम में शामिल हो जाओ, फिर देखा तुम्हारी अपनी भी एक टीम होगी। डाले हो, चलो चलो चलो। हर कोई बहादुर से धावा नहीं बोल सकता या टैंक नहीं चला सकता, पर एक और तरीका है जिससे हम सब लड़ सकते हैं। सिरिस डिफन बॉन्ड, आपका खरीदा हर बॉन्ड आपकी सफाई के बंदूक में एक और गोली होगा। सबका मकसद एक ही है। अरे कैप्टन, तोहफा कबूल करो। अरे अपने लड़कियों को भेजो। घबराओ मत यार, वो बहुत जल्दी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, घबराओ मत। कैसे हो स्टीव? हाय। आप यहाँ क्या कर रही? डरो मत, किसी काम से नहीं आई हूँ।
काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। हाँ, थोड़ा बहुत डायलॉग बदलने पड़े मुझे। मुझे जिस तरह के लोगों की आदत है उनकी उम्र होती है 12 साल। सुना है अमेरिका के लोगों में नई उम्मीद जगा रहे हो तुम? मैं जहाँ जहाँ गया हूँ बॉन्ड्स की बिक्री 10% और बढ़ गई। कहीं ये सेनेटर ब्रांड तो नहीं बोल रहे? कम से कम उन्होंने मुझसे इतना तो करवाया। फिलिप्स तो मुझे फंसा रहे थे किसी लैब में। क्या यही सिर्फ दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, लैब का चूहा या नाचने वाला बंदर? तुम इससे भी बढ़कर कुछ करने के लिए बने हो। क्या बरसों से मैं सपना देखता आया था कि दूर देश जाऊंगा, सेना में आगे रहकर अपने देश की सेवा करूंगा। आखिर जो चाहा सब मिला, पर मैं एक तमाशा बन गया। लगता है जैसे नरक से गुजर रहे। नहीं, नरक से भी बदतर। श्मिट ने एक फौज इटली के अजानों में भेजी थी। 200 आदमी वहां उसके खिलाफ लड़े और 50 से भी कम लौटे। जो तुम्हारा शो देख रहे थे वो 107वें में बचे थे, बाकी या तो मारे गए या फिर पकड़े गए। 107वें? क्या हुआ? जल्दी आइए। कर्नल फिलिप्स, आइए आइए, अमेरिका को उज्जवल भविष्य दिखाने वाले। वैसे तुम्हारा आज क्या प्लान है? मुझे अजानों में मारे गए लोगों की लिस्ट। मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते बच्चे। मुझे सिर्फ एक के बारे में जानना है, सर्जेंट जेम्स बार्नेस, 107 रेजिमेंट। देखो, तुम्हें फुर्सत मिले तो मुझसे मिल लेना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बताइए सर, वो जिंदा है कि नहीं? मैं पढ़ा लिखा हूं। मैंने आज पूरे दिन इतने शोक पत्र साइन किए हैं कि उन्हें गिनना भी नहीं चाहता, पर शायद ये नाम कुछ जाना पहचाना लगता है। आई एम सॉरी। बाकी सबका क्या होगा? उनको बचाने का कोई प्लान है आपके पास? हाँ, प्लान का नाम है जंग जीतना। पर अगर आप जानते हैं वो कहाँ है तो कम से वो आगे चल रहे सिपाहियों से 30 मील पीछे, यूरोप के सबसे मजबूत किलेबंद इलाके में। हम जितने लोग बचा नहीं पाएंगे उससे ज्यादा तो मारे जाएंगे, पर तुम समझ नहीं सकते क्योंकि तुम एक नौटंकी वाले हो। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ सर। ठीक है, तो फिर कहीं और जाकर समझो। अगर मैंने पोस्टर ठीक से पढ़े तो तुम्हें 30 मिनट में कहीं पहुंचना है। जी सर, पहुंचना तो है। अगर और भी कुछ कहना है तो बेहतर होगा कि इस वक्त तुम चुप रहो। तुम क्या करना चाहते हो? चलकर ऑस्ट्रिया जाओगे? जरूरत पड़े तो वही सही। कर्नल ने क्या कहा सुना ना? तुम्हारा दोस्त शायद मर चुका है। आप ये कैसे कह सकते हैं? देखो, वो एक रणनीति बना रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि उन्हें पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। स्टीव, आपने कहा था कि मैं इससे भी बढ़कर कुछ करने के लिए बनाऊ, क्या आप सच कह रही थी? हर शब्द सच्चा था। अब तो आपको मुझे जाने देना होगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लड़कियाँ स्टेज पर आ जाओ 5 मिनट में। मेरा हेलमेट कहाँ है? किसी ने रॉजर को देखा है? हाइड्रा कैंप क्रॉसबर्ग में है, इन दो पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच दबा हुआ। ये एक तरह की फैक्ट्री है। हम तुम्हें ठीक हाइड्रा के गेट पर उतार सकते हैं। बस मुझे जितना हो सके पास ले जाइए। उतरते ही आप दोनों भारी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और तुम? जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अगर कोई मुझ पे चलाए तो मैं गोली मार सकता हूँ। वो भी पलट कर तुम पर गोली चलाएंगे। तो चलो, ये कुछ काम तो आएगा। एजेंट कार्टर, अगर बहुत जल्दी में ना हो तो क्यों ना स्विट्जरलैंड में एक एक गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। स्टार्क एक बहुत ही बढ़िया और हिम्मत वाला पायलट है। हम नसीब वाले हैं जो ये इस वायु क्षेत्र में घुस आया। तो क्या आप लोग अक्सर जाते हैं कॉफी पीने? ये तुम्हारा ट्रांसपॉन्डर है, जब तुम तैयार हो तो इसे चला देना, सिग्नल हमें तुम तक पहुंचा देगा। पूरा यकीन है कि ये चीज काम करेगी? इस पे तुमसे भी ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं दोस्त। वापस यहाँ आओ, हम तुम्हें अंदर तक छोड़ देंगे। जैसे मैं कूद जाऊँ आप लोग प्लेन को मोड़ के वापस चले जाइए। तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकता हूँ, आगे मैं क्या कहूँ। कामकाज बिना रुकावट के चल रहा है। उत्पादन 60% बढ़ा दो और ध्यान रहे हमारी दूसरी फैक्ट्रियों में भी यही होना चाहिए। पर इन कैदियों में मुझे नहीं लगता कि इनमें इतनी ताकत है। तो जितनी ताकत बची है इस्तेमाल कर लो डॉक्टर।
यहाँ काम करने वालों की कमी नहीं है। बाद में आना। एक बात कहूं फ्रिट्ज, एक दिन मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही लाठी होगी। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं कैप्टन अमेरिका हूं। क्या कहा तुमने? ये क्या हम सबको ले जा रहे हैं? मैं फ्रेज़नो से हूं समझा। और कोई बचा है? मैं सर्जेंट जेम्स बंस को ढूंढ रहा हूं। फैक्ट्री में लोगों को अलग रखने का एक कमरा है, पर वहां से कोई लौट कर नहीं आया। ठीक है, गेट से 80 गज दूर पश्चिम की तरफ जंगल है, जल्दी निकलो, खाड़ी की तरफ बढ़ते जाना है। जो कोई भी मिले उन्हें लेकर मैं तुम लोगों के पास पहुंचता हूं। रुको, तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? हां, मैं स्टेज पे हिटलर को 200 बार पछाड़ चुका हूं। किया था क्योंकि वहां की लड़कियां ज्यादा क्यूट थी। तुमसे किसी ने बायोडाटा नहीं मांगा है। Thank you.
है स्टीव। स्टीव आओ चल। स्टीव मुझे लगा तुम मर चुके हो, तुम तो खुद में मुझसे छोटे थे। चलो ये तुम्हें हो क्या गया? मैं फौज में भर्ती हो गया। हासिल करी पहले से बेहतर तो नहीं पर फिर भी अच्छा है। तुमने एरिस्किन को मार के अच्छा नहीं किया। ऐसी बात है एरिस्किन ने चाहे तुमसे कितना भी झूठ क्यों ना कहो मगर मैं उसकी सबसे बड़ी कामयाबी हूं। तुम्हारी शक्ल तो ऐसी नहीं है स्टीव। तुम बहक गए हो कैप्टन। तुम ये सोचते हो कि तुम एक सीधे साधे सिपाही हो पर असल में तुम ये मानने से डरते हो कि हम इंसानियत को पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं इस हैवानियत को फख्र से गले लगाता हूं बिना डरे। तो फिर मैदान से भाग क्यों रहे हो? चलो निकलो यहां से। सर क्या हम छत पर जा रहे हैं? पर मैं क्या होगा? मैं कहां बैठूंगा? गाड़ी पर खरोच नहीं आनी चाहिए डॉक्टर, बिल्कुल भी नहीं। निगरानी वाली आखिरी फ्लाइट आ गई है, कोई कुछ नहीं कर रहा। जरा एक कॉफी ले आओ कॉर्पोरल। जी सर। मैं स्टार्क को छू भी नहीं सकता, वो अभी है, वो हथियारों का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, तुम कुछ भी नहीं हो। गुस्ताखी माफ हो सर, मुझे अपने किए का कोई अफसोस नहीं और ना ही कैप्टन रॉजर्स को था। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी राय की जरा भी परवाह नहीं है? मैंने तुम्हें एक मौका दिया एजेंट कार्टर, नतीजा क्या हुआ? अमेरिका का चहेता और बहुत सारे अच्छे लोग मारे गए क्योंकि तुम्हें प्यार हो गया। बात प्यार की नहीं, भरोसे की है। खैर जब वो इस विभाग को बंद कर देंगे तो उम्मीद है तुम्हें तसल्ली हो जाएगी।
बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? पोलैंड में पार्टी के पास और छठी थी करीब यहां मैग्नेट लाइन से 30-40 मील पश्चिम के तरफ। मैंने बस हल्की सी नजर डाली थी। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। ये वो हथियारों की फैक्ट्री है जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन सर्जन बांस कह रहे थे कि हाइड्रा के पुर्जों को एक गुप्त जगह भेजा गया है जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। एजेंट कार्टर, MI6 से कोऑर्डिनेट कर लो। मैं चाहता हूँ कि मित्र देशों की हर आंख उस हाइड्रा बेस को ढूंढे। हमारे लिए क्या ऑर्डर है? हम योहान श्मिट को उसके बिल्ड से खींच के बाहर निकालेंगे। क्या कहते हैं रॉजर्स, तुम्हें लगता है इस नक्शे के जरिए तुम हाइड्रा को मिटा सकते हो? जी सर, मुझे बस एक टीम चाहिए। हम अपने सबसे बेहतरीन आदमी तैयार कर रहे हैं। सर मुझे माफ कीजिएगा पर मैं भी वही कर रहा हूँ। तुम मुझे जरा ठीक से समझाओ। मुश्किल से वहां से जिंदा निकले और तुम हमें वापस भेजना चाहते हो? यही समझ लो। मुझे लगता है बड़ा मजा आएगा। मैं चल रहा हूँ। Moi, je combattrai jusqu'à ce que le dernier de ces bâtards soit mort, enchaîné ou bien pleure comme un petit bébé. J'espère tous les trois. Moi aussi. हम भी चलेंगे। मैं हमेशा लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। वो क्या? हमारा बिल चुका दो। ये तो मान गया मेरी बात। सबके लिए भर दो। इन लोगों का पेट है कि कुआं होता ही नहीं। देखा कहा था ना, सब बेवकूफ। और तुम क्या, तुम कैप्टन अमेरिका के पीछे पीछे मौत के मुंह में जाने को तैयार हो? बिल्कुल नहीं। ब्रुकलिन का छोटा बेवकूफ लड़का जिसे लड़ाई छोड़कर भागना नहीं आता था, मैं उसके पीछे जा रहा हूं। तुम अमेरिका के हीरो वाले कपड़े नहीं पहनोगे? एक बात बताऊं, मुझे इसकी आदत पड़ने लगी है। कैप्टन, एजेंट कार्टर, मैम, साथ चाहता है तुम कुछ इक्विपमेंट ट्राई करो तो कल सुबह। अच्छी बात है। अच्छा तो तुम्हारी फौज ड्यूटी की तैयारी कर रही है। क्या आपको म्यूजिक पसंद है? बहुत पसंद है। हो सकता है ये सब खत्म होने के बाद मैं डांस करने जाऊं। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सही पार्टनर का। सुबह 8 बजे कैप्टन। जी मैम, मैं पहुंच जाऊंगा।
मैं तो जैसे हूं ही नहीं, मेरा हाल पहले वाले स्टीव की तरह हो गया, एक डरावना सपना। इसे दिल में मत लो, हो सकता है उसका कोई दोस्त हो। इस प्रवाह की पहचान कुछ अलग है, अल्फा बीटा और गामा रे न्यूट्रल है। हालांकि मुझे शक है रॉजर्स ने उसे देखा भी है, इसमें तो कोई खतरा ही नहीं लगता। समझ नहीं आता इतना बखेड़ा किस लिए है। इसे लिख लो। एक्सक्यूज मी, मैं मिस्टर स्टार्क को ढूंढ रहा हूं। वो कर्नल फिलिप्स के साथ है। चाहो तो तुम इंतजार कर सकते हो। मैंने अखबार में तुम्हारे कारनामों के बारे में पढ़ा है। दरअसल मैंने वही किया जो जरूरी था। तुमने उससे भी बढ़िया काम किया है, तकरीबन 400 लोगों को बचाया है। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये बात उनकी बीवियों से जाकर पूछो। मुझे नहीं लगता सब शादीशुदा है। तुम एक हीरो हो। खैर, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। अमेरिका की औरतें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, और जबकि वो यहाँ नहीं है तो कैप्टन, हम तैयार हैं बशर्ते कि तुम किसी काम में मशगूल ना हो। प्लीज सुनिए। लगता है पार्टनर ढूंढना उतना भी मुश्किल नहीं था। तुम जैसे सोच रहे वैसे नहीं है। मैं कुछ नहीं सोचती कैप्टन, कुछ भी नहीं। तुम हमेशा एक सिपाही बनना चाहते थे और अब हो बाकी सब की तरह। तुम्हारे और स्टार के बीच में हो सकता है तुम लोग रोज साथ में कॉफी पीते हो। तुम औरतों के दिल की बात कभी नहीं समझ पाओगे। साथ कॉफी पीने का मतलब वो नहीं होता है मेरे दोस्त। वाकई मुझे पता नहीं था कि पता होना भी नहीं चाहिए। जैसे ही तुम जान लोगों की औरत के दिमाग में क्या चल रहा है, समझ लो तुम्हारी पूरी तरह शमत आ गई। और मैं, मेरा ध्यान सिर्फ एक ही काम पर है, जो फिलहाल ये देखना है कि तुम और तुम्हारे आदमी मारे ना जाएं। कार्बन पॉलीमर, ये एक साधारण से जर्मन बेनेट को झेल पाएगा, हालांकि हाइड्रा तुम पर छोटी छुरी से दोबारा करेगा नहीं। सुना है तुम्हें काफी अजीब है ये। तुम ये तो सोच रहे हो उसे कहीं ज्यादा काम की। मैंने अपनी तरफ से कुछ और तरह की ढाल बना ली है। ये वाली काफी मजेदार है, इसमें इलेक्ट्रिकल रिलीज फिट कर दी गई है। इससे हम ये वाली नहीं, ये तो सिर्फ एक नमूना है। ये किससे बनी है? वाइब्रेनियम। ये स्टील से ज्यादा मजबूत और वजन में उसकी एक तिहाई है। ये तरंगों को पूरी तरह सोख लेती है। तो फिर ये सबको क्यों नहीं दिया गया? ये पृथ्वी की एक बेहद नायाब धातु है, हमारे पास उतनी ही है जितनी तुम्हारे हाथ में। आपकी बातें खत्म हो गई मिस्टर स्टार्क, क्योंकि कैप्टन अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं। कैसा लग रहा है? वाह, ये तो काफी काम आएगी। कुछ आइडियाज है यूनिफॉर्म के बारे में? जो तुम कहो दोस्त।
कामयाब नहीं हुए। हम ऐसे हमले के करीब है जो पूरे ग्रह को हिला देगा, और फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक ढाल वाले बेवकूफ को मौत की नींद नहीं सुला सकते। मैं इस मामले में माहिर नहीं हूँ, मैं सिर्फ हथियार बनाता हूँ, लेकिन मैं उन्हें चला नहीं सकता। अपना मिशन पूरा करो डॉक्टर, इससे पहले कि कैप्टन अमेरिका पूरा कर ले। सर हमें माफ करना मिस्टर स्मिथ, हम मरते दम तक लड़े। ऐसा लगता तो नहीं। याद है जब मैं तुम्हें कॉनी आइलैंड के साइक्लोन पर ले गया था? हाँ, और मैंने उल्टी कर दी थी। उसी का बदला ले रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? हम सही थे, डॉक्टर जुला इसी ट्रेन में है। हाइड्रा डिस्पैच ने ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की इजाजत दे दी है। उस ट्रेन में जो कुछ भी है उन्हें उसकी सख्त जरूरत होगी। जल्दी करो, वो बहुत तेजी से हमारी ओर आ रहे हैं। हमारे पास बस 10 सेकंड का वक्त है, वो हाथ से निकल गया तो हम सब मच्छरों की तरह मसल दिए जाएंगे। कहीं गिर मत जाना। डॉक्टर जल्दी चलो मच्छरों। मेक नो भी है कि यहां ऐसा बढ़िया मांस का टुकड़ा मिलना कितना मुश्किल होता है। मैं मांस नहीं खाता। क्यों नहीं? मेरा पेट खराब हो जाता है। और साइनाइड क्या उससे भी तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होती है? बोलो।
हाइड्रा के किसी भी एजेंट को हमने जिंदा पकड़ने की कोशिश की तो उसने एक छोटी सी गोली फेंक ली उसे रोकने से पहले, लेकिन तुमने नहीं। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम जीना चाहते हो। आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कर्नल। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। उन्होंने जो बेशकीमती जानकारी हमें दी है उनके सहयोग के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उसके बदले डॉक्टर जोला को वापस स्विट्जरलैंड की हवाले। मैंने आज सुबह ये संदेश वॉशिंगटन भेजा है, हालांकि वो कोर्ट में लिखा था। तुम लोगों ने अभी उन कोर्ट का मतलब तो नहीं निकाला ना, वरना बड़ा अजीब लगेगा। स्मिट समझ जाएगा कि ये झूठ है। वो तो वैसे भी तुम्हें मारने वाला है डॉक्टर, तुम एक जिम्मेदारी हो। तुम स्मिट के बारे में दूसरों से ज्यादा जानते हो, और वो आखिरी इंसान जिससे तुमने हमसे छीना वो कैप्टन रॉजर्स का जिगरी दोस्त था, इसलिए कुछ ज्यादा बचाव की उम्मीद मत रखना। तुम या तुम्हारा वो स्मिट, तुम्हारे हाथ यही पत्ते लगे हैं। स्मिट समझता है कि उसके पास ईश्वर की ताकत है और उसे पूरी दुनिया हासिल करने के बाद ही चैन मिलेगा। तुम तो जानते हो ना ये पागलपन है। लैंड की समझदारी कोई मायने नहीं रखती। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें वो जुनून है। उसका निशाना क्या है? उसका निशाना हर जगह पर है। दुनिया पर राज करेगा, जन्नत की परियों के पंख पर सवार जीत की ओर बढ़ता हुआ। दुश्मनों के हथियार हमारे आगे नाकामयाब हो जाएंगे। अगर वो एक जहाज मार के रहते हैं तो हजारों जहाज उन पर आग बरसाएंगे। अगर वो एक सर काटते हैं तो दो और उसकी जगह ले लेंगे। जय हो हाइड्रा, जय हो हाइड्रा, जय हो हाइड्रा, जय हो हाइड्रा। सिर्फ मेरे मसल्स पर ही असर नहीं करेगा बल्कि मेरे जिस्म पर भी असर करेगा। फिर से जीवित करने और स्वस्थ बनाने का रक्षात्मक सिस्टम पैदा करेगा, यानी मैं पी के दूध नहीं हो सकता। क्या तुम जानती थी? तुम्हारी पाचन शक्ति एक आम आदमी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेज काम करती है। उन्हें लगा था यह भी एक असर हो सकता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने रिपोर्ट पढ़ी थी? हाँ। तो फिर तुम जानती हो कि ये सच नहीं। तुम जो कर सकते थे तुमने किया। क्या तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा था? क्या तुम उसकी इज्जत करते थे? तो फिर अपने आप को कोसना बंद करो। बांस को चुनाव करने की इज्जत बख्शो। उसे तुम्हारे लिए जो ठीक लगा उसने वही किया। मैं स्मित को छोड़ूंगा नहीं। जब तक पूरा हाइड्रा मारा या पकड़ा ना जाए मैं दम नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जॉन स्मिट की जगह पागल खाने में है। वो सोचता है वो ईश्वर है और ये साबित करने के लिए वो आधी दुनिया उड़ाने को तैयार है। सबसे पहले अमेरिका। स्मिट उन ताकतों के साथ काम कर रहा है जो हमारी काबिलियत से परे है। वो अटलांटिक पार कर गया तो पूरा पूर्वी तट घंटे भर में तहस नहस कर डालेगा। कितना वक्त है हमारे पास? मेरे नए जिगरी दोस्त के हिसाब से 24 घंटों से भी कम। इस वक्त वो कहाँ है? हाइड्रा का अड्डा यहाँ है, इन पहाड़ों में, ज्यादा से करीब 500 फीट नीचे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब हम खुद तो मौत के मुंह में नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं? हम बिल्कुल वही करने वाले हैं। Thank you.
शायद कोई अमरीकी खासियत ना हो, पर मानना पड़ेगा तुम वो औरों से ज्यादा दिखाते हो। पर तुम्हारे करने की भी आखिर एक हद होगी कैप्टन, या अर्स्किन ने तुम्हें कुछ और बताया था? उन्होंने बताया था कि तुम पागल हो। उसे मेरी काबिलियत से तकलीफ थी और मुझे वो देने से जिस पर मेरा हक था, पर उसने तुम्हें सब दे दिया। तो तुम में ऐसी क्या खास बात थी? कुछ नहीं, मैं ब्रुकलिन शहर का ऐसा था लड़का। Thank you.
कभी हार नहीं मानते, क्यों? नहीं। Steve.
सो हमें अगले ग्रिड पॉइंट पर ले चलो। हादसे का नामो निशान नहीं है और समझ में नहीं आता कि जहाज कहां गिरा होगा। बस ढूंढते रहो। गुड मॉर्निंग या आफ्टरनून कहना चाहिए। कहूं मैं? आप न्यूयॉर्क सिटी के अस्पताल में हैं। सच बताओ मैं कहां हूं? मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। ये मैच मई 1941 में खेला गया था, मैं जानता हूं क्योंकि मैं वहां पे था। मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूं, मैं कहा हूं? कैप्टन रॉजर्स। बोलो तुम। कैप्टन रॉजर्स रुकिए। एजेंट्स रॉजर्स फरार हो चुके हैं। फिर से दोहरा दी हूं, एजेंट रॉजर्स फरार हो चुके हैं। देखो मैं उस छोटे से तमाशे के लिए माफी चाहता हूं, पर हमने सोचा तुम्हें सब धीरे धीरे बताना ही ठीक होगा। क्या बताना होगा? तुम होश में नहीं थे कैप्टन करीब 70 साल से। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, बस एक डांस का वादा था। Thank you.
दुश्मनों का दुश्मन।
मार्वल्स के दी एवेंजर्स में कैप्टन अमेरिका वापस आएगा। नींद नहीं आ रही? आप किसी मिशन से आए सर? आया तो हूं, मेरी दुनिया में वापसी के लिए, दुनिया को बचाने के लिए। अगली गर्मियों में तुम्हें लगता है दुनिया में सिर्फ तुम्हें एक हीरो आ रहे हैं, आप सबके होश उड़ाने। दोस्तों अब तुम्हारी बारी है। अच्छे मसल्स हैं। मई 2012।